खबर झांसी के गरौठा तहसील की है, जहां फ्रैक्चर का इलाज कराने आया व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकला। दरअसल व्यक्ति के हाथ में गोली लगी थी, जिससे उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। उसका चेकअप कराने के लिए वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती था, जिसके बाद उसका एक्सरे होने पर बाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर पाया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान मेडिकल कॉलेज में भर्ती सभी लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा था, जिसके चलते इसका भी सैंपल जांच के लिए भेजा गया। इसकी रिपोर्ट आने पर वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हालांकि उस व्यक्ति में कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं थे। बता दें, उसको आइसोलेशन के लिए भेज दिया गया है। साथ ही उसके पूरे परिवार के 10 लोगों के सैंपल भी जांच के लिए भेजकर उन सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा गांव को सील कर दिया गया है। देखिए, दो पुलिसकर्मी, जिसमें से एक पुलिसकर्मी जो पैरामेडिकल एरिया में लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, जहां लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, वहाँ पर उनका पॉजिटिव रिजल्ट आया है। और एक पुलिसकर्मी जिनको कि श्रमिकों के साथ में एज अ गाइड और प्रोटेक्टिव भेजा था, वो जब लौट के आए हैं, उनको क्वारंटाइन किया गया था और उन सभी लोगों के सैंपलिंग की गई थी, जिसमें से एक पुलिसकर्मी का भी पॉजिटिव आया है। शेष सभी लोग नेगेटिव आए हैं। इन दोनों पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन सेंटर से नियमानुसार आइसोलेशन सेंटर भेजा गया है और उनका उपचार चल रहा है। इस संबंध में पिछले 14 दिनों में वो जिन लोगों से भी मिले हैं और जहाँ भी वो रहते थे, चौकी और बाकी जगहों पर, वहाँ सभी लोगों को हम लोगों ने चिन्हित करके और उनके सैंपलिंग कार्रवाई की जा रही है। आगे पुलिस कर्मियों को इस तरह की चीज़ें ना हो, इस संबंध में भी जो पूर्व से दिशा निर्देश दिए गए थे और जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए गए थे, उनको और सख्ती से लागू किया जा रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट में सभी लोगों को मास्क, सैनिटाइजर्स और हैंड वॉश और साथ में ग्लव्स वगैरह सब दिए गए थे, जिनका कि सख्ती से यूज़ किया जा रहा है। उन एरियाज़ में जहां हॉटस्पॉट है या जहां पर क्वारंटाइन पीपल्स हैं, वहां पर पीपी किट भी सभी पुलिसकर्मियों को दी जा रही है, पहले भी दी गई थी, उनका यूज़ किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो जलालपुरा में एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिला है, जिसको कि नया एक हॉटस्पॉट घोषित किया है, वहाँ हमारी टीम्स जा रही हैं और उस गांव में उस एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा, उसको कंटेन किया जाएगा और उस व्यक्ति के परिवार के लोगों को भी चिन्हित करके वहाँ उनका सैंपलिंग और बाकी सारी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, गरौठा थाने के कुछ लोग उससे मिले थे, तो उनको चिन्हित करके उनका सैंपलिंग की कार्रवाई हम लोग करवा रहे हैं। उसके रिजल्ट आने के बाद फिर आगे हम कार्रवाई की जाएगी। थाने को सैनिटाइज, हमारे यहाँ जनपद में प्रत्येक थाने को डेली सैनिटाइज करने के लिए यहाँ से मशीन्स दी गई थी और उनके साथ साथ वो केमिकल दिए गए थे। हमारे यहाँ प्रत्येक थाना प्रतिदिन सैनिटाइज किए जाने के आदेश हैं और वो किए जा रहे हैं। जैसे हमारे हॉटस्पॉट कंटेनमेंट एरिया पे बहुत सारे सैंपल्स की जो टेस्ट की जा रही है, मुख्य रूप से जिनकी मौत हुई थी माधव घोष के परिवार की, उनकी मौत के बाद उन सारे इलाके में लगभग 47 कॉन्टैक्ट जो ट्रेस हुआ था, उसमें से लगभग 29 लोगों की सैंपल्स नेगेटिव आया था और अन्य लोगों का भी है, 17 लोगों का पेंडिंग है, वो सैंपल शाम तक आ जाएगा। तो फिर ये बात सिद्ध हो गया कि उस एरिया पे इतना हमारे सेंसिटिविटी बढ़ी नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि हॉटस्पॉट में जो पहला पेशेंट है, उस पेशेंट की जो बेटा है और उस पेशेंट के संबंधित जो पति के बड़े भाई है, वो दोनों भी आज नेगेटिव पाए गए थे। इससे हमारे जो पेशेंट जो क्योर हो गए थे, उसकी संख्या 3 हो गई थी लगभग जनपद में। और साथ में कल हमारे पैरामेडिकल कॉलेज पे भी रैंडम सैंपलिंग के तहत बहुत सारे जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित जो हमारा कांस्टेबल है जो ड्यूटी पे है, और हमारे जो जितने लोगों को जो सैंपल्स रैंडमली हम लोग वेरीफाई करने के लिए ला रहे थे, उनका भी वेरिफिकेशन हुआ था। कुल मिला के 104 सैंपल्स का टेस्टिंग हुआ था, जिसमें 4 पॉजिटिव पाए गए थे। उसमें एक तो ऑलरेडी पहले से भी पॉजिटिव था, उनको तो मैं कह चुका हूँ, और 2 लोग हमारे पुलिस कांस्टेबल थे जो पैरामेडिकल की ड्यूटी पे लगे थे क्वारंटाइन कैंप की सुरक्षा के लिए। और दूसरा है जो एमपी से, जब भी हम लोग अपना माइग्रेंट लेबर्स को ला रहे थे, उस टाइम पे उस मज़दूरों के साथ ड्यूटी पे भी लगे थे, उनका भी पॉजिटिव पाया गया था। लेकिन ये जो भी है, ये दोनों एसिम्प्टोमेटिक हैं बिल्कुल, इनका हाल देख लीजिए, बिल्कुल फिट है। अब इन लोगों को तो 14 दिन के क्वारंटाइन में भेज के उससे नेगेटिव कराना है, वो तत्काल हमारे कार्य शुरू हो गया है।
लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है कि हमारा एक पेशेंट आया था जो कल एक तहसील है गरोटा में जलालपुरा गांव से जो आया था, उनकी कुछ गोली से कुछ चोट लगी थी, उस इमरजेंसी में आए थे और उस इमरजेंसी को देखते हुए इनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था। और उनकी जो लेफ़्ट आर्म की एक फिंगर है वो फ्रैक्चर हुआ था जिसकी वजह से, और फाइनली उनका भी सैंपल लेना अनिवार्य था प्रोटोकॉल के तहत, तो फिर तो वो भी पॉजिटिव आया गया था। लेकिन उसके अंदर भी ऐसे कोई सिम्टम्स भी नहीं दिखी पड़ी अभी तक। तो जितने यहाँ पे जो स्ट्रेन जो निकल के आ रहा है या पेशेंट जो निकल के आ रहा है या पॉजिटिव, जैसे पेशेंट भी नहीं पॉजिटिव जो निकल के आ रहा है, वो सब लोग एसिम्टोमेटिक है। अभी फ़िलहाल नेट हमारे पास जनपद के अंतर्गत 14 पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव्स है जिनको हमें अपने क्वारंटाइन कैंप में या आइसोलेशन वार्ड में रख के, जो पॉजिटिव आए गए उनको तो मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में रख के उनको क्योर करने की व्यवस्था की जा रही है। बात यह है कि अभी तक हमें भी प्राथमिक सूचना के तहत वो स्वयं आए थे और वहाँ से उनको लेके गया था। उस पुलिस विभाग की जो जांच हो रही है, जांच होने के बाद हम आपको प्रस्तुत करेंगे। कितने लगे हॉटस्पॉट है? अब तो डिक्लेयर्ड हॉटस्पॉट हो गया था लगभग 2, एक तो गरोटा तहसील की जलालपुरा गांव और दूसरा है सदर बाजार की जो सुभाषगंज एरिया है। एक बड़ा सवाल, आखिर पिछले सोमवार की बात करें, जाकिर को कोरोना मिला 10 दिन पहले, ऐसा कहाँ पे क्या चूक हुई, मजदूरों की चूक हुई या कोई लॉकडाउन में लापरवाही हुई, अचानक इतने केस पड़ गए? बात यह है कि मैं लापरवाही तो नहीं कहूँगा, लेकिन विगत 1.5 महीने से तो 1600 के आसपास सैंपल्स की टेस्टिंग हुई है। 1600 सैंपल्स में तो आपके पास 18 का ही पॉजिटिव आया था और उसमें भी 3 क्योर भी हो गए थे आज की, और एक जो मौत भी हुई है उनकी मेडिकल हिस्ट्री लगातार 1 साल से तो बहुत गंभीर हिस्ट्री थी और 4 महीने से वो बेड रिडन भी था। प्रोटोकॉल के तहत हम लोग ये कर रहे हैं कि कोविड सैंपल की टेस्ट करना अनिवार्य है, तभी तो ये सारी चीज़ निकल गया है।